لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عن عبد الرحمن بن أبي كراد رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا طمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود شریف پڑھ لے اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد काबिल एहतराम बुजुर्गान मोहतरम और मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के अहकाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का नाम इस्लाम है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों की कामयाबी का दारोमदार इसी पर रखा है। यानी अल्लाह ने फरमाया कि जो भी इंसान जहाँ का भी रहने वाला हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला हो, चाहे किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखने वाला हो, अगर उसकी ज़िंदगी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, उसकी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक है, तो वो इंसान दुनिया की ज़िंदगी में भी कामयाब है, आखिरत की ज़िंदगी में भी कामयाब है। और अगर इंसान की ज़िंदगी, चाहे वो बड़े से बड़े ख़ानदान का है, दुनिया में उसे राहत वाली चीज़ें मिली हुई है, दुनिया में उसे सुकून भी मिला है, दुनिया में उसे सब कुछ मिला है, लेकिन ज़िंदगी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक नहीं है, ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक नहीं है, तो वो इंसान दुनिया की ज़िंदगी में भी नाकाम, आखिरत की ज़िंदगी में भी नाकाम है। यहाँ पर मुझे एक बात आप लोगों को ये बतलानी है कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी कहो बेशक, अल्लाह के नबी से बढ़कर दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं। और कामयाबी अल्लाह ने इसी पर रखी है।
कि अगर मेरी जिंदगी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, मेरी जिंदगी मेरे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक है तो अल्लाह कामयाब करेगा। और अगर आपके फरमान को छोड़कर जिंदगी गुजारे, आपके अहकाम को तोड़कर जिंदगी गुजारे, अल्लाह दुनिया की जिंदगी में भी नाकाम कर देगा, आखिरत की जिंदगी में भी नाकाम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो हदीस पाक मैंने अभी आप लोगों के सामने पढ़ी है, उस हदीस के बयान करने वाले एक सहाबी जिनका नाम है हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अबी कुराद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा का वाकया बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू फरमाया। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू फरमाया और आपके बदन मुबारक से, आपके जिस्मे अथर से, आपके गाल मुबारक से, आपके हाथ मुबारक से, आपके पांव मुबारक से जो पानी गिर रहा था, वजू कर लिया, वो पानी जो इस्तेमाल शुदा पानी है, वो पानी गिर रहा था, उस पानी को सहाबाए किराम नीचे गिरने नहीं देते बल्कि अपने हाथों में लेकर अपने चेहरे और अपने जिस्म पर मलने लगे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अजीब मंजर देखा कि सहाबा इकराम जो मेरा इस्तेमाल शुदा पानी है वो ज़मीन पर नीचे गिरने नहीं देते बल्कि अपने हाथों में लेकर अपने जिस्म पर मल रहे हैं, अपने चेहरे पर मल रहे हैं। तो हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है, फिर भी आपने सवाल कर लिया। क्या सवाल किया? मा यहमिलुकुम अला हाज़ा, ए मेरे सहाबाए किराम, ये काम जो तुम कर रहे हो कि मेरे जिस्म से लगा हुआ पानी, मेरे बदन से लगा हुआ पानी तुम ले लेकर अपने जिस्म और अपने चेहरे पर मलते हो, आखिर कौन सी चीज तुम्हें ऐसा काम करने पर मजबूर करती है? कौन सी चीज तुम्हें ऐसा काम करने पर आमादा करती है? कौन सी चीज तुम्हें ऐसा काम करने पर उभारती है? तो सहाबाए किराम ने जवाब दे दिया, कौलू हुब्बुल्लाहि व रसूली। सहाबाए किराम ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हमें ऐसा काम करने पर आमादा करती है। हम अल्लाह की मोहब्बत में ये कर रहे हैं कि आपके इस्तेमाल शुदा पानी की इतनी कदरों कीमत है, अल्लाह के नबी की मोहब्बत में ऐसा कर रहे हैं कि आपके इस्तेमाल शुदा पानी की इतनी कदरों कीमत है कि जमीन पर गिरने नहीं देते। लेकिन दुनिया का उसूल यह है, दुनिया का कानून यह है कि जो इंसान जिसके साथ मोहब्बत करता है उसे भी यह ख्वाहिश होती है कि मैं जिसके साथ मोहब्बत करता हूं सामने वाला भी मुझसे मोहब्बत करे। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया? फकौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु औ युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहु। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसका दिल यह चाहता हो, जो इस बात को पसंद करता हो, जिसकी ख्वाहिश ये हो कि वो अल्लाह से मोहब्बत करे, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करे, या ये पसंद करता हो कि अल्लाह खुद उससे मोहब्बत करे, अल्लाह के नबी खुद उससे मोहब्बत करे, तो उसे चाहिए कि वो तीन काम करे। कितने काम करने हैं भाई? तीन काम करे। क्या फरमाया? फलयसदुक हदीसहु इज़ा हद्दथा, जब भी बात करे तो सच्ची बात करे। वलयुअद्दी अमानतहु इज़ा तुमिना, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसकी अदायगी का एहतमाम करे। वलयुहसिन जवारमन जावरहु, और अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करे। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मुख्तसर से वक्त में मुझे इस हदीस पाक की मुख्तसर सी तशरीह बतानी है कि इस हदीस के बयान करने वाले सहाबी जिनका नाम हजरत अब्दुल रहमान इब्न अबी कुराद, अल्लाह के नबी ने जब वजू फरमाया तो आपके इस्तेमाल शुदा पानी को सहाबा किराम नीचे गिरने नहीं देते बल्कि अपने चेहरों पर, अपने जिस्म पर लेकर मल रहे है। हालांकि ये सहाबाए किराम की मोहब्बत की एक बेमिसाल मोहब्बत थी कि सहाबाए किराम, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो सहाबाए किराम जो अल्लाह के नबी के इस्तेमाल शुदा पानी की इतनी कदर कीमत करते थे, तो अंदाजा लगाओ अल्लाह के नबी की सुन्नतों की कितनी कदर कीमत करते होंगे, अल्लाह के नबी के तरीकों की कितनी कदर कीमत होगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ पानी नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा अपनी नाक मुबारक को साफ करते थे तो नाक में से जो चीज निकलती थी वो चीज भी सहाबा किराम नीचे गिरने नहीं देते बल्कि अपने हाथों में ले लेते हैं। अल्लाह के नबी का लुआब मुबारक, अल्लाह के नबी का थूक मुबारक सहाबा किराम जमीन पर गिरने नहीं देते बल्कि हाथ में ले लेते और अपने चेहरे पर, अपने जिस्म पर मल लेते हैं। और अल्लाह के नबी का थूक कोई हमारी तरह थूक नहीं था मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी के थूक में तो अल्लाह ने वो खुशबू रखी थी जो आज के इतर में भी वो खुशबू नहीं आ सकती है। और सहाबा इकराम के लिए अल्लाह के नबी का इस्तेमाल शुदा पानी शिफा भी था,
بخاری شریف میں روایت موجود ہے, روایت کرنے والے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بڑا بیمار تھا, بے ہوش تھا اور جان نکلنے کے قریب تھی, اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے گھر پر تشریف لائے, میری عیادت کے لیے, میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے. اللہ کے نبی نے سوال کیا حضرت جابر سے, اللہ کے نبی نے جابر سے سوال کیا, حضرت جابر تو بے ہوش تھے, کیا جواب دیتے؟ اللہ کے نبی نے وضو فرمایا اور وضو سے جو آپ کا استعمال شدہ پانی جو آپ کے بدن سے لگا ہے, آپ کے جسم سے لگا ہے, اس پانی کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر چھیٹے دیے, حضرت جابر فرماتے مجھے شفا مل گئی. تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال شدہ پانی, ایسے تو اللہ کے نبی کے ہر چیز میں کمال اللہ نے رکھا تھا, صرف پانی میں نہیں بلکہ ہر چیز میں. ارے میرے پیارے دوستو, اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مصافحہ کرتے تھے, جب کسی سے ہاتھ ملاتے تھے, تو صحابی فرماتے میں پورے دن اس ہاتھ میں اللہ کے نبی کے ہاتھ کی خوشبو کو محسوس کرتا تھا. یہ اللہ کے نبی کی زندگی. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی جب کسی چھوٹے سے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے, جب کسی چھوٹے سے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے, وہ بچہ تمام بچوں میں پہچانا جاتا تھا کہ یہ وہ بچہ ہے جس بچے پر محمد عربی کا ہاتھ لگا ہوا ہے. تو میرے پیارے دوستو, اللہ کے نبی کی تو ہر چیز مقدس, اللہ کے نبی کی تو ہر چیز پاکیزہ, اللہ کے نبی کی ہر چیز عالی شان. لیکن اللہ کے نبی نے یہاں صحابہ کرام کو, حالانکہ معلوم ہے صحابہ کرام کی زندگی تو محبت میں کیسی آگے تھی, یہ ہم جانتے ہیں کہ کیسی کیسی صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کر دی. ارے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنا سب کچھ لٹا تو دیا, لیکن اللہ کے نبی کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے. اور کامیابی اسی میں اللہ نے رکھی ہے. کہا ہے نا کسی نے, دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے, دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے, ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے. یعنی اگر انسان دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے, آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی من مانی زندگی چھوڑ کر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لے. تو صحابہ کرام نے جب یہ کیا تو اللہ کے نبی نے سوال بھی کر لیا, تو صحابہ کرام نے جواب دے دیا, میرے محبوب آپ کی محبت ہمیں ایسا کام کرنے پر مجبور کرتی ہے. ارے آپ کی محبت, اللہ کی محبت میں ہم ایسا کرتے ہیں, لیکن آج دنیا کا اصول بھی تو یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کی خواہش بھی یہ ہوتی ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں سامنے والا بھی مجھ سے محبت کرے, سامنے والا بھی مجھ سے پیار کرے. تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی کی معنی میں محبت کا تقاضا صحابہ کو سمجھایا ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا نام لے لو محبت کامل. نہیں میرے دوستو, اگر محبت ہے تو محبت کا اصول تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی جن کاموں کو کرنے کا کہے, آدمی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ان کاموں کو کرنے والا بن جائے, اور جن کاموں سے روکے, چاہے ہماری عقل سمجھ میں نہ آتا ہو لیکن ان کاموں سے رکنا, اسی کا نام محبت ہے. تو صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے محبت کا تقاضا سمجھایا. صحابہ کرام سے فرمایا, من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ, جس کا دل یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرے, اللہ کے نبی سے محبت کرے, تو اسے چاہیے, یا یہ چاہتا ہو کہ اللہ بھی خود اس سے محبت کرے, اللہ کے نبی بھی خود اس سے محبت کرے, اسے چاہیے کہ سب سے پہلا کام, فلیسد حدیثہ اذا حدث, جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے. میرے پیارے دوستو, یہ سچائی کی صفت کو ہم بہت کمتر سمجھتے ہیں, حالانکہ مذہب اسلام کے علاوہ جو دوسرے غیر مذہب ہیں ان مذہبوں میں بھی سچائی کو پسند کیا گیا ہے, اور حدیث پاک کی کتابوں میں موجود ہے کہ کفار مشرکین بھی جھوٹ بولنے کو بہت بڑا عیب سمجھتے تھے. لیکن آج کا مسلمان اس گناہ میں اتنا مبتلا ہے, اتنا مبتلا ہے کہ اسے معلوم نہیں کہ میں اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہوں.
सिर्फ वो नमाजों पर मुतमईन हो गया, सिर्फ वो रोजे पर मुतमईन हो गया, सिर्फ वो ये समझता है कि मैंने कुछ इबादत कर ली, मैंने कुछ अल्लाह को राजी कर लिया। लेकिन मेरे प्यारे सोच तो सही कि तेरी जुबान कौन सा कलाम निकालती है, तेरी जुबान से कौन सी बात निकलती है। हदीस पाक में मौजूद है कि जब आदमी एक मर्तबा झूठ बोलता है, एक मर्तबा झूठ बोलता है, उसके झूठ बोलने की वजह से बदबू निकलती है और रहमत के फरिश्ते उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सोचे तो सही कि आज हमारे माशरे में यह गुनाह इतना आम हो चुका है, इंसान कारोबार में झूठ। हालांकि शिकायत यह है कि हमारा दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज क्यों नहीं होता, हमारी जिंदगी मोहम्मद अरबी के फरमान से आरास्ता क्यों नहीं होती। तो मेरे प्यारे, जिस कारोबार में तूने झूठ बोलकर कमाया है, वो कारोबार जो तूने पैसा झूठ बोलकर कमाया, वो पैसा हलाल नहीं है बल्कि हराम है। और जब हराम का लुकमा पेट में जाता है, हदीस पाक में मौजूद है, उसकी इबादत कबूल नहीं होती है, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। मेरे प्यारे दोस्तों, ये गुनाह तो आम हो चुका है, मालूम नहीं आपके इलाके में है या नहीं, लेकिन हमारे गुजरात में तो ये जब अप्रैल का महीना आता है, अल्लाहु अकबर कबीरा झूठ बोलने को सबसे बड़ा फन समझता है। हालांकि कुरान करीम में फरमाया ने झूठ बोलने पर कितनी लानत है, और हदीस पाक में है कि झूठ तमाम गुनाहों की जड़ है, झूठ तमाम गुनाहों की जड़ है। इंसान अपने आप को झूठ से बचाए। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कारोबार में तरक्की चाहते हो, हलाल कमाई करोगे तो कारोबार में तरक्की है, वरना हराम कमाओगे, झूठ बोलकर कारोबार करोगे, दीन की तरफ हमारा दिल माइल नहीं हो सकता, अल्लाह के अहकाम की तरफ हमारा दिल नहीं झुक सकता। और हलाल कमाई करने वाले को तो अल्लाह के नबी ने कितना ऊंचा मकाम अता फरमा दिया है, कितना ऊंचा मकाम अता फरमाया। तिर्मिजी शरीफ में रिवायत मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिजारत करने वाले, कारोबार करने वाले, दुकान चलाने वाले, ज़राअत करने वाले कयामत में नबियों के साथ उठाए जाएंगे। नबी अल्लाह के वो बंदे जिनसे कोई गुनाह नहीं, कयामत में शहीदों के साथ उठाए जाएंगे, कयामत में सिद्दीकीन के साथ उठाए जाएंगे। कौन से तिजारत करने वाले? जो सच बोलकर तिजारत करते हैं, अमानतदारी के साथ तिजारत करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये गुनाह उम्मत में आम हो चुका है। आज उम्मत इस गुनाह को गुनाह नहीं समझती, बल्कि जुबान की हिफाजत तो हर वक्त किया करो। मेरे प्यारे दोस्तों, हदीस पाक में मौजूद है, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दो चीज़ों की जमानत मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नतुल फिरदौस की जमानत देता हूँ। उसमें से एक चीज़ जुबान बताई थी। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत मास को यमन रवाना किया, उस वक्त भी खुसूसी जो अल्लाह के नबी की नसीहत थी, वसीयत थी, वो ये थी कि जुबान की हिफाजत करते रहना। और हदीस पाक में ये बात भी मौजूद है कि आज बंदा जुबान से कोई कलाम ऐसा निकालता है, हालांकि उसे मालूम नहीं होता, लेकिन वो बात निकालने की वजह से वो जहन्नम में इतने दूर तक फेंक दिया जाता है जितना कि आसमान और जमीन है। और बाज मरतबा कोई जुबान से ऐसी बात निकलता है, अच्छी बात निकलता है, हालांकि उस बात की उसके नजदीक कोई कदर कीमत नहीं है, लेकिन उस बात की वजह से वो जन्नत का मुस्तहिक बन जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जरूरी है, हजरत लुकमान हकीम से किसी ने पूछा कि तुमने इतना ऊंचा मरतबा कैसे हासिल कर लिया, इतना बुलंद मरतबा कैसे हासिल कर लिया। तो हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया, तीन खसलतों की बिना पर, सबसे पहली खसलत के सच्चाई, दूसरी खसलत के अमानतदारी का एहतमाम, और तीसरी खसलत कि अपनी जुबान को फुजूल गोई से, फुजूल बातों से हिफाजत की वजह से मैंने इतने ऊंचे मर्तबे को हासिल किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जरूरी है कि आज इंसान कमाई भी हलाल कमाई करे, झूठ न बोले। और मेरे प्यारे दोस्तों, देखो, झूठ हर गुनाह की जड़ है। इंसान अपनी जिंदगी से झूठ के गुनाह को निकाल देगा, इंशाअल्लाह हिकमत का नूर उसके कुलूब में आएगा, अल्लाह की तरफ उसका दिल माइल होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की उसे तौफीक भी मिलेगी। एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आए हैं, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया में भेजा इसीलिए था कि तमाम के तमाम
قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہمارے نبی نبی بنا کر بھیجے گئے, رحمت بنا کر بھیجے گئے, اور آپ کی ہر وقت یہی فکر رہی ہے, آپ کی ہر وقت یہی فکر رہی ہے کہ میرا امت کا ہر فرد جنت میں جانے والا بنے, کوئی امت کا فرد جہنم میں نہ جائے. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے, اللہ کے نبی سے آ کر کہنے لگے, اللہ کے نبی میں نے آپ کی دعوت کو سنا ہے, آپ کی دعوت بالکل سچی دعوت ہے, آپ کا پیغام بالکل سچا پیغام ہے, آپ عفت اور پاک دامنی کی دعوت دیتے ہیں, آپ اسلام کی دعوت دیتے ہیں, میں نے آپ کے پورے دن کو سرچ کر لیا ہے, آپ کے پورے دن کو جانچ لیا ہے, بالکل سچا ہے, لیکن اللہ کے نبی میں آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں, لیکن چار برائیاں میرے اندر ایسی زبردست ہے کہ اگر آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں, اگر اسلام کو قبول کرتا ہوں تو ان چار برائیوں کو چھوڑنا پڑتا ہے, لیکن اللہ کے نبی مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ یہ چار برائیوں کو میں چھوڑ سکوں. لیکن میرے پیاروں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف دیکھو کہ اللہ کے نبی کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا چار برائیوں کو سننے کے بعد کہ چل یہاں سے چلا جا, تیری اسلام میں کوئی ضرورت نہیں ہے. آج ہم لوگ تو بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں, کسی پر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے تو اس پر آسانی سے فتویٰ لگا دیا, کوئی اللہ کے احکام کو توڑ کر زندگی گزارتا ہے. میرے پیارے دوستوں, اپنے ایمان کی خیر مناؤ, کسی کو ذلیل اور حقیر نہ سمجھو, ورنہ یہ نہ ہو کہ اللہ اسے تو موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دے اور تم نے ساری زندگی عبادت میں گزاری ہے, لیکن کوئی عمل کی بنا پر اللہ موت سے کلمے کو چھین لے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میرے پیارے دوستوں, وہ شخص نے اللہ کے نبی سے کہا, اللہ کے نبی میں آپ کے دین کو قبول تو کرنا چاہتا ہوں, لیکن چار برائیاں میرے اندر ایسی ہیں کہ اگر آپ کے مذہب کو قبول کرتا ہوں تو ان چار برائیوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بتاؤ تو صحیح کون سی چار برائیاں ہیں. سب سے پہلے اس نے کہا کہ میں شراب پیتا ہوں. شراب کی اسلام میں اجازت ہے؟ ارے بولو نا بھائی, اجازت ہے؟ نہیں ہے, حرام. شراب کی اسلام میں اجازت نہیں. دوسری بات اس نے کہی, اللہ کے نبی میں زنا کاری کا بھی عادی ہوں, میں زنا کی بھی مجھے عادت ہے. اب زنا کی اسلام میں اجازت؟ بالکل حرام. تیسری چیز اس نے کہی, اللہ کے نبی میں چوری کا عادی ہوں. تیسری چیز اللہ کے نبی سے کہتا ہے, اللہ کے نبی میں چوری کرنے کا بھی عادی ہوں, چوری کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اور چوتھی چیز کہی, اللہ کے نبی میں جھوٹ بولنے کا بھی عادی ہوں. اور یہ چار خصلتیں تو ایسی ہے, یہ چار برائیاں تو ایسی ہے جس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. لیکن وہ نوجوان کہتا ہے, دیکھو میرے پیارے دوستوں, اللہ کے نبی کی اصلاح کا طریقہ دیکھو, اپنی امت سے محبت دیکھو, اپنی امت سے پیار دیکھو. وہ نوجوان کیا کہتا ہے, اللہ کے نبی ہاں, اگر آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لوں, اگر آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دے تو میں آپ کے کہنے پر ایک برائی چھوڑ دوں گا. کتنی برائی؟ سب تو نہیں چھوڑوں گا, صرف اونلی ون, ایک مسٹیک چھوڑ دوں گا, ایک برائی, ایک گناہ چھوڑ دوں گا. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے, فرمایا میرے کہنے پر ایک برائی چھوڑ دو گے؟ ہاں اللہ کے رسول, اسی واسطے تو آپ کے پاس آیا ہوں ایمان قبول کرنے کے لیے کہ آپ کے کہنے پر ایک برائی چھوڑ دوں گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جھوٹ چھوڑ دینا. کیا فرمایا؟ جھوٹ چھوڑ دینا. اب وہ شخص تو چلا گیا اور خوش خوش, اللہ اکبر کبیرہ, کیسا ویری ایزی, کیسا ہے میں نے ایمان قبول کیا ہے. ارے کچھ بھی نہیں, صرف جھوٹ ہی تو نہیں بولنا, چوری کی بھی اجازت, زنا کی بھی اجازت, شراب کی بھی اجازت. حالانکہ اللہ کے نبی سے اجازت, اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی, بلکہ وعدہ کس بات پر کیا ہے ایمان قبول کرنے کا؟ صرف جھوٹ پر, کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. لیکن اللہ کے نبی کی صحبت کسی کو ایک سیکنڈ کے لیے نصیب ہو جائے, اللہ اس کا تو مقدر بدل دیتا ہے, اللہ اس کی تو شان بدل دیتا ہے, اللہ اس کی تو زندگی بدل دیتا ہے. یہ سارے کام وہ رات کو کرتا تھا. اب رات کو سب سے پہلے خیال آیا کہ میں زنا کے لیے گھر سے نکلوں. ابھی تو زنا کے لیے قدم گھر کے باہر رکھا ہے اور دل میں خیال آیا کہ میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا, لیکن زنا کا وعدہ نہیں کیا. ہاں اگر میں زنا کر لیتا ہوں اور کل میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنی مجلس میں پوچھا کہ تم نے زنا کیا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر ہاں کہتا ہوں تو اسلام کی جو سزا ہوگی وہ سزا کا مستحق بنوں گا, اور اگر نہ کہتا ہوں تو اللہ کے نبی کے عہد کی خلاف ورزی ہو جائے گی. لہذا مجھ میں یہ طاقت
नहीं है। झूठ बोल छोड़ने की वजह से जीना की आदत उसे छूट गई। अब चोरी का ख्याल आया, कुछ देर के बाद शैतान तो कहता है कि कर लेना चोरी, अरे क्या वजह है, चोरी क्यों नहीं करता, तूने तो अल्लाह के नबी से सिर्फ झूठ का वादा किया है, चोरी का वादा कहाँ किया है। लेकिन दिल में बात आती है कि अल्लाह के नबी से वादा चोरी का तो नहीं किया, झूठ का किया है कि झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन कल मेरे महबूब ने अपनी मजलिस में पूछा तो इस्लाम की जो सजा है, वसारिकु वसारिकतु फक्तु अयदियहुमा, कि चोरी करने वाला मर्द हो औरत हो उसके हाथ को काट दिया जाएगा। तो कल अगर मेरे महबूब की मजलिस में मैंने सच तो हाथ काटे जाते हैं, और झूठ बोलूं तो क्या होगा, अल्लाह के नबी के वादे की खिलाफ वर्दी। लिहाजा मुझ में ये हिम्मत भी नहीं है। अब तीसरा गुना, शराब की बोतल सामने है। उस वक्त भी यही सोचा कि कहीं शराब के बारे में नबी ने अपनी मजलिस में पूछा, क्या जवाब दूंगा। सुबह में अल्लाह के नबी के पास आए, पूरी रात इसी सोच में गुजार दी। सुबह में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अल्लाह के नबी से फरमाए, अल्लाह के नबी मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अल्लाह के नबी मुस्कुराए और फरमाए, इन्नस्सिद्क यहदी इलल बिर, आज हमको नेकियों का रास्ता बहुत मुश्किल मालूम होता है, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, सच्चाई एक ऐसी सिफत है जो इंसान को नेकी की तरफ आमादा करती है, नेकी की तरफ उभारती है। वह इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्ना, और नेकी उसको जन्नत की तरफ ले जाएगी। वह इन्नल किज़्ब यहदी इलल फुजूर, और झूठ, जिस इंसान की जुबान झूठ बोलने की ज्यादा आदि होती है वो उसको गुनाहों की तरफ ले जाएगी। वह इन्नल फुजूर यहदी इलल नार, और गुनाह उसे जहन्नम की तरफ ले जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सच्चाई अपनी ज़ुबान में पैदा करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। बहुत अहम सिफत है मेरे प्यारे दोस्तों, जो दूसरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बात फरमाई थी। दूसरी सिफत क्या कही थी, वल युअद्दी अमानतहु इज़ा तुमीना, कि जब भी अमानत रखी जाए तो उसकी अदायगी का एहतमाम। लेकिन ये तो हमें समझ में आता है कि हमको किसी ने कोई चीज़ रखने के लिए दी और कहा कि ज़रूरत के वक्त मैं तुझसे ले लूँगा, तो ये भी एक अमानत है, और अमानत के अमानतदारी का एहतमाम ज़रूरी है। और अल्लाह के नबी कि हदीस है, ला ईमान लिमल्ला अमानत अल्लाह, ला ईमान लिमल्ला अमानत अल्लाह, वो आदमी मुसलमान नहीं है जिसके अंदर अमानतदारी का वस्फ ना हो। ये बात तो हमें समझ में आती है, लेकिन उलमा ने लिखा है कि अल्लाह से ताल्लुक रखने वाले, यानी हुकूकुल्लाह से ताल्लुक रखने वाले जितने अहकाम हैं, वो तमाम के तमाम अहकाम भी अमानत है। जैसे कुरान करीम हमें मिला है, वो भी एक अमानत के तौर पर मिला है, उसका भी कल कयामत में हिसाब देना होगा कि तुमने उसमें कितनी खयानत की है। ये जिंदगी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी अमानत है, लेकिन आज का मुसलमान अपनी मनमानी जिंदगी गुजारता है, अल्लाह के अहकाम को तोड़कर जिंदगी गुजारता है, और मुसलमान होने का दावा भी है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, कम से कम ये तो सोचे कि मुसलमान नबी का उम्मती, जिंदगी अल्लाह ने इतनी कीमती दी है, लेकिन नमाजों को आने को जी नहीं चाहता है। वो इस जिंदगी के शुक्रिये में दिन में 5 मरतबा अल्लाह के सामने झुक नहीं सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा है, नमाजों को छोड़कर जिंदगी गुजारते हैं, और जिंदगी नमाज छोड़ने वाले की जिंदगी मुतमईन नहीं होती, बल्कि सबसे पहला नमाज छोड़ने का अज़ाब तो यह होता है कि जिंदगी से सुकून को छीन लिया जाता है। आखिर एक बात मैं आपको बताता हूँ, आज हम हर गुनाह को गुनाह समझते हैं, लेकिन नमाज का छोड़ देना तमाम गुनाहों से बड़ा गुनाह है। नमाज का छोड़ देना चोरी करने से बड़ा गुनाह, चोरी करना बहुत बड़ा गुनाह, लेकिन नमाज का छोड़ देना उससे बड़ा गुनाह। जिना करना बहुत बड़ा गुनाह, लेकिन नमाज का छोड़ देना उससे बड़ा गुनाह। शराब पीना बहुत बड़ा गुनाह, लेकिन नमाज का छोड़ देना उससे बड़ा गुनाह। इस बात को तवज्जो से सुनो, और इंशाअल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, अगर दिल के कानों से सुनोगे, अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का नमाजी बना देगा इंशाअल्लाह। एक शख्स के बारे में लिखा कि फजर की नमाज छोड़कर अपने घर से निकला, शैतान भी उसके साथ निकल गया। शैतान ने देखा उसने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, जोहर का वक्त हुआ जोहर की नमाज नहीं, असर का वक्त हुआ असर की नमाज नहीं, मगरिब की नमाज नहीं, इशा की नमाज नहीं। तो रात को शैतान उसके पास आता है, किसके पास, जो नमाज छोड़कर घर से निकला था ना, उसके पास आता है और कहता है, तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं। कौन कहता है, शैतान। किसको, इंसान को, कि तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं, इसलिए कि तू तो मर्दूद हो गया, तू तो हलाक हो गया, तू तो बर्बाद हो गया। उस वक्त इंसान ने बड़ा अजीब जवाब दिया कि तू मुझे कैसे मर्दूद कहता है, तू मुझे कैसे हलाक कहता है, तू मुझे कैसे बर्बाद कहता है, बर्बाद तो तू हुआ,
इसलिए कि तेरी तो पूरी जिंदगी लानत वाली है, तुझे जो जन्नत से निकाला गया और हमेशा के लिए तुझ पर जहन्नम को वाजिब किया गया, उस वक्त मेरे प्यारे दोस्तों शैतान ने जो बात कही है, अगर आज उस बात को दिल के कानों से सुनोगे, अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का नमाजी बना देगा इंशाअल्लाह। हालांकि कुरान करीम में फरमाया इन शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, अल्लाह फरमाते शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन, कभी भी इंसान को अच्छे अमाल की दावत नहीं देगा बल्कि हर वक्त गुनाह करवाएगा। लेकिन शैतान ने क्या बात कही है, आपको मालूम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तमाम के तमाम फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म हुआ था ना, अल्लाह ने कहा था ना वयदुल्ला लिल मलाइकाति सुजूद लि आदम, हजरत आदम को सजदा करो, फसजदु, तमाम के तमाम फरिश्तों ने सजदा कर लिया इल्ला इबलीस, लेकिन शैतान ने सजदा नहीं किया। तो अब शैतान क्या कहता है कि मैंने तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के एक सजदे का इनकार किया और एक सजदे का इनकार करने की वजह से मेरी पूरी जिंदगी लानत वाली हो चुकी, मेरी पूरी जिंदगी हलाकत वाली हो चुकी, मेरी पूरी जिंदगी बर्बादी वाली हो चुकी, और तूने तो आदम के रब के दीन में 34 सदों का इनकार किया है, मालूम नहीं तेरा क्या हाल होगा। और आज नहीं, कई सालों से तू करता आया, 20 साल 30 साल 40 साल की उम्र गुजर गई लेकिन आज तक नमाजों का एहतमाम नहीं हुआ। इससे मेरे प्यारे दोस्तों अंदाजा लगा लो नमाज का छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है कि शैतान ये बात कहने पर मजबूर है। तो जिंदगी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी कीमती अमानत है, ये अमानतदारी का एहतमाम। और तीसरी जो हदीस में बयान फरमाई थी, वलयुहसिन जवार मन जावरहु, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना, और वक्त अब इजाजत नहीं देता, बस सिर्फ इतनी बात सुन लेनी चाहिए कि पड़ोसियों के साथ भी हमें अच्छा सलूक करना है और दुनिया में बसने वाले हर मुसलमान के साथ अच्छा सलूक करना है। और ये अच्छा सलूक जब हमारी जिंदगी सच्चाई वाली हो जाए, नमाजों का एहतमाम, अल्लाह ने जिंदगी दी है उस जिंदगी को कीमती और गनीमत समझे, और पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक, तमाम मुसलमान भाइयों के साथ अच्छा सलूक अगर हम करने वाले बनेंगे, अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह के नबी भी हमसे मोहब्बत करेंगे, और हमारी भी अल्लाह और अल्लाह के नबी से मोहब्बत हो जाएगी इंशाअल्लाह। और मेरे प्यारे दोस्तों अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा के एहसान हम पर इतने हैं कि अगर इन एहसानों को गिनना चाहे तो गिन नहीं सकते, जितना भी दुरूद पाक हो सके दुरूद पाक की भी कसरत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुन्नत बाकी सुन्नत पढ़।